एवरीवन, मैं हूं सायरा शबीर एंड वेलकम टू माय चैनल। आपको मेरे पीछे कुछ नज़र आ रहा होगा, सबको नज़र आ रहा होगा कि किन्नू। इस वक्त मैं सरगोधा में मौजूद हूं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किन्नू के बारे में। हम लोग किन्नू के बेनिफिट्स, ऑरेंज के बेनिफिट्स, माल्टे के बेनिफिट्स के बारे में आज बात करेंगे कि इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, आपको इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और किन किन चीज़ों से और किन किन बीमारियों से प्रिवेंट करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर विटामिंस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर मिनरल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। ऑरेंज के अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम, उसके बाद विटामिन सी, उसके बाद जिंक, ये सब प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम भी कुछ मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हैं। ये लाइक कह लें कि जिस तरह हम लोग कहते हैं कि मल्टी जो है वो वर्किंग एक जो है वो फ्रूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हम लोगों को किन्नू खाने की वजह से जिनसे हम लोग बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इट प्रिवेंट्स कैंसर। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके ब्रेस्ट कैंसर, आपका कोलन कैंसर, आपका जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो अगर आप लोगों को एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है और आपको इन तमाम डिजीज से बचना है तो यू हैव टू यूज़ दिस सिट्रस फ्रूट्स एज वेल। ये बहुत सारे जो ऐसे कैंसर होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। इट इज़ अ बिग सोर्स एंड ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग, इट प्रिवेंट्स कैंसर, ऑल टाइप ऑफ कैंसर, बिकॉज इट इज़ हैविंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो केमिकल्स होते हैं जो कि फाइट करते हैं कैंसरस, जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनके साथ फाइट करते हैं। जो सेकेंड थिंग जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि ऑरेंज खाने से, माल्टा खाने से आपको जो है फ़ायदा हो सकता है, वो है आपकी स्किन। स्किन जो कहते हैं हमारी स्किन ग्लो करनी चाहिए, हमारी स्किन क्लियर होनी चाहिए, कोई पिंपल्स नहीं होने चाहिए इसमें। तो आप कोशिश करें कि सिट्रस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसका जो पील होता है, वाइट पील, जिसको हम लोग उतार उतार के खाते हैं, कोशिश करें कि वो उतारे बगैर खाएं उसको, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन ई प्रेजेंट होता है, ये आपकी स्किन में ग्लो लेके आता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है और आपको पिंपल्स इस तरह की सारी चीज़ों से जो है वो बचाता है आपको। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है किन्नू का इस्तेमाल ज़रूर करना है, माल्टे का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें और आपकी स्किन भी हेल्दी हो। सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट वॉज कि ये कैंसर को प्रिवेंट करता है, सेकेंड है कि ये आपकी स्किन को बहुत ग्लो करता है, जैसे कि मेरी अभी कर रही है, लेकिन अभी ये सनलाइट की वजह से कर रही है। ओके, द थर्ड थिंग, द थर्ड बेनिफिट ऑफ ईटिंग आर हैविंग सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स में सारे आ जाते हैं, ऑरेंज आ जाते हैं, मौसमी आ जाता है आपका, उसमें ग्रेप फ्रूट आ जाता है जिसको हम लोग चकोतरा बोलते हैं, उसके अलावा इसमें जो फ्रूटर होता है वो भी आ जाता है। तो जो थर्ड इसका बेनिफिट है वो है कि आपके सारे जो डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आपको स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं तो ईटिंग वन सिट्रस आर टू सिट्रस आर टू ऑरेंजेस एवरी डे प्रिवेंट ऑल टाइप ऑफ स्टमक एंड डाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको स्टमक की कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है जब आपने खा लिया तो बहुत एक हैवी वाली जो है वो फीलिंग होती है, तो आपने किन्नू का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसके अलावा जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं ऑरेंज के, उसमें ये है कि अगर आपको गेंठे का प्रॉब्लम है जिसमें जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑरेंज के इस्तेमाल से, सिट्रस के इस्तेमाल से आप उस दर्द को भी कम कर सकते हैं। जिनको गेंठिया का प्रॉब्लम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ज्वाइंट पेन होती है, इट इज़ रिलेटेड टू बोन्स, ये बोन्स की एक डिजीज़ है जिसमें जोड़ों में दर्द होती है, वो बंदा चल फिर नहीं सकता, तो उसमें भी ऑरेंज का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर आपको सूखी खांसी आती है या आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो ऑरेंज और सिट्रस के इस्तेमाल से उसके चांसेस भी कम हो सकते हैं, आपको अस्थमा के अटैक्स जो हैं वो कम होंगे। तो ये देखें इसके कितने वाइड रेंज ऑफ जो है वो बेनिफिट्स हैं जिनको हम लोग नहीं पहचान पाते। जैसे कि हमारे सिर्फ ये होता है कि खांसी होती है तो ऑरेंज नहीं खाना, हालांकि इसके अस्थमा में, उसमें भी जो सूखी खांसी होती है उसमें भी इसके बेनिफिट्स। So an orange a day keeps the doctor away, like an apple a day keeps the doctor away, in the same way an orange a day keeps many disease away, keeps cancer away, keeps digestion problems away, keeps asthma problems away, keeps many other bones problems away as well, because it's a big source and good source of many minerals and vitamins. अगर आप
चाहते हैं कि आपको कोई डाइजेशन के प्रॉब्लम्स ना हो, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको अस्थमा का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई गेंठे का प्रॉब्लम ना हो, खांसी का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके अलावा आप चाहते हैं कि आप कैंसर से बचें, आप चाहते हैं कि आप दिल की बीमारियों से बचें, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं हमेशा बल्कि सर्दियों के मौसम में तो ज़रूर सरगोधा का चक्कर लगाती हूँ, क्योंकि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं ये मेरे फेवरेट हैं। और इनकी जो प्राइस की अगर हम बात करते हैं, कितने कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, एक आम रूटीन में आम बंदा भी इसको यूज़ कर सकता है, तो आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि जब आप अपनी ज़िंदगी में इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके आते हैं तो आप बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। सो प्रॉमिस मी दैट यू विल यूज़ ऑरेंजेस इन दिस सीज़न, बिकॉज कमिंग सीजन में बहुत ज़्यादा आएंगे। अभी तो मौसमी वगैरह और ग्रेपफ्रूट वगैरह आए हुए, आगे ऑरेंजेस भी बस आने वाले, यहाँ सरगोधा में तो रेडी है। तो इंशाल्लाह यूज़ दीज, एंड इसका मैं फेस मास्क भी आपको बताऊंगी आप किस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर हेयर ग्रोथ एज वेल। इसको अगर आप योगर्ट के अंदर मिक्स करके अपने लगाएंगे तो हेयर फॉल को भी ये प्रिवेंट करता है और आपकी हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे और आप इसी तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो लेते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।